अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा नया व्लॉग है। तो व्लॉग में होगा ये कि पूरा दिन मुझे आज कैंपिंग है कॉलेज के अंदर। आज जुम्मा था तो जैसे कॉलेज छुट्टी हो गई, कॉलेज की हो गई छुट्टी, और पूरा दिन हमने रुकना है यहाँ पे, और 2 बजे लंच होगा यहाँ पे जो होगा। मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये है जिमनेजियम अभी पब्लिक कॉलेज का, देख सकते हैं। और अभी आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लोग के साथ रहें और कहीं नहीं जाएं। तो आपके पेट्रोल की जो प्राइस है ना, सारे टैंक खोल देगा। आ जाओ इधर आप। गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लोकर है मेरा। तो हम चलते हैं वकास भाई के पास। वकास भाई क्या कर रहे हो? कपड़े चेंज। मैं यार मैं कपड़े चेंज कर लिए अभी, मैंने अभी नीचे जा रहा, खाली 1 मिनट बचा हमारे पास, अभी हम लोग ने पहुंचना है। चलो आप जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। हमारे साथ क्रिकेटर मौजूद हैं जो ये फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान के। क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा इंशाल्लाह। आगे का पता नहीं है अभी, इंशाल्लाह अभी मैं तो बहुत अभी इधर करना, वो कबाब बेचते हम इंशाल्लाह वो करेंगे। अभी फेमस तो बंदा बहुत मुश्किल से होता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। हमारा कैंप है 24 घंटे का, और ये हमारे लीडर है, पेट्रोल लीडर। हाँ भाई, ऑन बाइक आ रहे हैं। और बताएं क्या कर रहे हैं यार? बस यार अभी तो लंच टाइम हो गया है, और काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि यार अगले 22-23 घंटे यहाँ पर गुजारने हैं। नाइट में क्या होगा, काफ़ी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। नाइट में नशाते लगेगी। और ऐसा लीडर आप क्या कहना चाहिए? यार एज ए लीडर मैं कोशिश करूँगा कि अपने पेट्रोल के हर एक मेंबर को मतलब साथ लेकर चलूँ, और इस तरीके से लेकर चलूँ यार कोई मतलब नाराज भी ना हो, और सब मतलब बिरयानी खा ली है। और फिर भाई आप आज पूरा दिन रुकने हैं और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ यार, बस यही है कि अभी दोस्तों के साथ मेरे 24 घंटे यहीं पर रुकना है, मेरे पुलिस का एक्सपीरियंस करना है, इनको भी बताना है। हाँ भाई, यही माहौल बनता रहेगा हमारा। मैं अभी बिरयानी खा पू के उठे रखी भाई की तरह, डबल डबल। हाँ डबल भाई, छोटी छोटी खा रही है। अभी आ रहा, बात आ रहा है, 5 मिनट बाद। हेलो गाइस, आज है हमारा कैंपिंग सेशन हमारे कॉलेज में। और गयूर कैसा लग रहा है आज का? यार आज का दिन बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ, क्योंकि बस छुट्टियाँ करी। जरा आप व्यू देखें कॉलेज का, ये हमारा है कॉलेज। अभी तो हम ऊपर आए हुए थे, अभी जाएंगे हम नीचे। अभी उधर जाके हमें कुछ लंगर करना है, अभी लंगर किया था हमने, तो अभी जाना है तो वापस ऑडिटोरियम। फिर चलो, फिर बाद में मिलते हो। क्या अल्लाह हाफिज़। हमारे सकलेन भाई जो कि सीनियर है हमसे, और भाई हमारे से बताएं आप हमारे। जिससे कि आज हमारा कैंप लगा हुआ है अभी पब्लिक हाई स्कूल में, इसमें नकी भाई ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारी बेस्ट विशेज है कि नकी भाई इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं 7-8 को मतलब कि मद्देनजर रखते हुए, जिस पर हमारा कैंप पूरा बेस्ड है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। आगे जो होगा सकलेन भाई और मैं आपको बता दूँगा। गुड लक। यूनिफॉर्म मैं तो इसी में रखूँगा, किताबों के। अजब भाई बिल्डर है हमारे माशाल्लाह। और अजब भाई सुना है क्या कैंपिंग के वाले से कुछ? माशाल्लाह अभी, और ये मेरे ख्याल में ये जो अबीब में जी में वहीं से बनाई हुई, वहीं से बनाई है यहाँ से आगे। चलें आपके आगे जो होता है हम बताएंगे। नजब भाई सही, रात को सोने के लिए तंबू का इंतजाम हो रहा है। एक मिनट सर, सीधा कर रहे वो लड़के, उसके नाम बताओ। वे उसको बोलो इधर आए। वो बंबू रजा बाकर 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 इस साइड कर। हेलो अहमद यार, हम टेंट लगवा रहे हैं, रात को सोना है ना भाई। वकास आराम तेज मार यार, करना है क्या?
पूरा नहीं, थोड़ा सा बचा था ऐसा कि बस गिरे नहीं। सब लोग मशरूफ हुए हैं और मैं व्लॉग में मशरूफ हुआ। जल्दी कर यार, थोड़ा लेके आए। ये सगलेन भाई हमारे रस्सी पकड़ के खड़े हैं। आ रस्सी, सगलेन भाई, सगलेन भाई, ये भाई टाइम नहीं है अभी भाई, ब्रदर यार एक ले आओ। मोहन भाई, मोहन भाई, ये आपका एक्सपीरियंस लग रहा है मेरे को यार। भाई जल्दी आ जा, छोड़ दे छोड़ दे इसको, छोड़ दे बोलते बोलते। ये वकार लगा हुआ है हथौरे में। हां भाई, अभी टेढ़ा क्यों कर रहा है? अबे जा जा ना, अबे टेढ़ा होगा ये, सज्जाद भाई से मिलते। सज्जाद भाई बताएं आप कैंपिंग के बारे में कुछ। यार कैंपिंग तो ऐसा, मैं सीनियर स्काउट, जैसे मेरा कैंप स्टार्ट हो रहा है तो कैंपिंग या बस सर्वाइविंग स्किल्स आनी चाहिए आपको, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए और ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं आपको सर्वाइविंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हर किसी को आनी चाहिए। तो गाइस कैम हमारे तैयार हो चुके हैं और हम रात में इसमें सोएंगे और आगे क्या होता है अब देखते हैं इंशाल्लाह। और ये जो मेरे साथ मौजूद है, ये मेरे साथ 5 क्लास से पढ़ रहा था ओन तनवीर, और जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था सबसे पहले। तो ओन भाई क्या कहना चाहते हैं, कैंपिंग आज हो रही है? हमारे ब्लॉगर आ चुके हैं। मैं ही कह रहा हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है और सब दोस्तों का फैन आ गया। अच्छा, और बहुत मज़ा आ रहा है नकी के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इसने दूसरों को देखिए व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली और मैं अल्लाह की फेमस एक्शन। और जो आज पूरा दिन कॉलेज में रुकना है, क्या बहुत मज़ा आने वाला, आप भी मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। बस भाई ये दोस्ती बरकरार रहे और इंशाल्लाह मौला सलामत रखे मेरे भाई को। लाइया मेरा मौला आपको भी। चलें फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। अभी रात हो चुकी है और हमारे पास फजल है। फजल आप शायर हैं तो आप शायरी सुनाएं। तू आसमानों से भी ऊंची परवाज कर, तू आसमानों से भी ऊंची परवाज कर, न गिरा सके तुम्हें कोई, ऐसा अपना मकाम कर। शुक्रिया। तो बताएं आज का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपना जूनियर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, अलमनाए के साथ, बड़ा मज़ा आ रहा है अभी में स्काउटिंग करते हुए। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सज्जाद भाई यहाँ लंगर बांट रहे हैं। सज्जाद भाई, अली रजा भी भाई चाय बांट रहे हैं यहाँ पे। सज्जाद भाई जी, भाई क्या कर रहे हो यार? यार बस अब देखो शाम का टाइम हो रहा है तो उस वजह से बस चाय वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी सबको, तो तुम भी पीना चाय। चाय के बाद, चाय के बाद इंशाल्लाह नमाज वगैरह। बाकी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हमारे जो है सर हो गई है रात। और अब सज्जाद भाई रात कहाँ हुई, अभी मगरिब हो के गई है। तो रात हो गई ना, मगरिब मतलब रात होगी, रात होगी। हाँ हो गई है और डर लग रहा है, देखें खौफनाक माहौल है कॉलेज का, ऐसा सन्नाटा पड़ा हुआ है फुल, को बंदेरा सूं आवाज़ आ रही सूं।
कॉलेज तो बहुत बड़ा है मगर दिखाने में टाइम लगेगा, बहुत बड़ा है। और बाकी ये है कि कैंप पे जाना है डायरेक्ट मुझे। बाकी आज तो मज़ा आ रहा है कॉलेज, रात में कॉलेज में रुके में वरना सुबह आते थे। और ये अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजज़मा है। और ये देखें व्यू चेक करें अंधेरा को। हाँ सकलेन भाई कैसे लग रहा है? हम तो बहुत लाल लगा रहे हैं इसमें बेराज। वो येल क्या बना है? और भाई इधर ऊपर बनाया था ना सुपर पहले पीछे भाई इधर हमारा येल क्या है? कुछ कहना है तो सोच के आओ, पहले समझो फिर समझाओ। कुछ कहना है तो सोच के आओ, याद रखना। कुछ कहना है तो सोच के आओ, पहले समझो फिर। अबे नहीं तू वन मैंने तीन बंदों को देखा जल्दी से आ जाओ। अरे मर गया मर गया मर गया मर गया नीचे चलो फायर की करो स्टार्ट। एक दो तीन चार पाँच छह इधर की टीम सारे राइट जाते थे। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट जाते थे। और अब चालाकियां भी अपनी सारी रंग जाती है। तुक्के लगाते थे तो सारे। हाँ सकलेन भाई यार रात के 11 बज रहे हैं और बस यार 11 तो बजेंगे रात के वैसे भी। बहुत रात के 11 तो बजेंगे ना वैसे भी, तो अभी क्या करना है 11 बजे इन शाला कोई हमारा कोई इवेंट देखते उसके अंदर। और नजब भाई आप कुछ बच्चोदी कर रहे हैं? सही यार तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कैंटीन। ये है हमारे कॉलेज की कैंटीन। रात की 11 बज रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि 3-4 बज रहे हैं मगर 11 बज रहे हैं। सज्जाद भाई ओन भाई ये करामात। मोहन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? रात के 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं इस वक्त हम लोग कॉलेज में। और पता चला यहाँ, अरे मुर्शिद क्या पता चला है? क्या पता चला है? सुंबल जॉन के इश्क में मर गई। सुंबले जिन्हे बच्चों को खा जाएगी अभी। और हम लोग अभी कॉलेज में हम ये सारे फुटसल ग्राउंड में फुटसल। तो गाइस आपके सामने ये देख सकते हैं कि कॉलेज में इस टाइम रात के टाइम किस तरह डर भी लग रहा है क्योंकि मैं अभी कोई मेरे साथ भी नहीं है। और ये है कि पहली दफ़ा एक्सपीरियंस के दोस्तों के साथ रात गुजारी। और इसमें जो दोस्त हैं वो अपने क्या नाम है
स्कूल के फ्रेंड्स से जो कि अभी कॉलेज में आए, और अभी कॉलेज में आए तो और बेस्ट फ्रेंड बन गए। और एक रात हमने ऐसा एक्सप्लोर किया है कॉलेज ज़िंदगी के, ये एक्सपीरियंस जो है मेरे ख्याल में मेरे को कभी मिलता नहीं। और ये तो अभी कॉलेज का ये इवेंट रखा इन्होंने, हर साल होता है, तो मैंने तो फर्स्ट ईयर का था, मेरे को तो अभी पहली दफ़ा एक्सपीरियंस आया। तो गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी ये कि रात हुई है 11 बजे और हमें कल सुबह तक रुकना है, तो हमारे साथ ही रहे। आपके बज गए हैं 11 और ये हमारे भाई हैं फजल भाई जो कि शेर व शायरी भी करते हैं, तो आज शेर व शायरी कुछ हो जाए। शेर है मिर्ज़ा गालिब का, पकड़ लो, आओ मेरे वालिद का। चल चल, आपके लिए अर्ज़ है, मोहब्बत में मोहब्बत से रूठा नहीं जाता, मोहब्बत में मोहब्बत से रूठा नहीं जाता, रूठ जाने के बाद फिर लौटा नहीं जाता। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारे डकी भाई हैं और पिज़्ज़ा, अभी हमने डिनर किया यार, लाइट तो अबे फ्लैश नहीं है इसके अंदर, लोड़ा फ्लैश नहीं आ रही है यार। ये ले समझ, आप टेक ओवर करें। कसम गाइस, आग ही मेरी फट गई। कौन बोल इसको यार, यहां बोतलें चल रही हैं, मगर गाइस हम मुल्तान के सीजन उतर आए हैं और पापड़ी ने पापड़ी लेके पापड़ी आ गए। हमने सो खोल दिया पापड़े है, तो बाकी ये सब बेस्ट फ्रेंड मेरा फोन, अल्हम्दुलिल्लाह बस नगी की मेहरबानी है। खोल दे पार्क सफारी है क्या? मरियम के पापा बोलना चोर है। सही है मरियम के पापा, मैं बोलूं? हाँ बोल। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। पॉलिटिक्स नहीं यार, जंग हो जाएगी, कार्ड उड़ा देंगे। हाथ आगे रख, वे हाथ आगे रख, इर्तिज़ा सबसे ऊपर ही सीन। शाबा बुआ, चक्कर हाथ नीचे रख, शाबा इर्तिज़ा, शाबा सर आउट हो गया ना, सर ये आउट हो गया, आउट हो गया। शाबा बुआ, शाबा इर्तिज़ा, शाबा। शाबा नक्की, शाबा आगे, हाथ आगे, नक्की जीतते हैं, नक्की लगी जीते, लगी जीते, लगी जीते, नकी लगी जीते, लगी नकी जीते, जाबा लगी लोली पकड़े, जाबा बहुत अच्छे, नकी जाबा नकी खाले। तो भाई सुबह हो चुकी है, अभी 7 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ, और रात को मैं जो है ना शूटिंग कर नहीं पाया क्योंकि व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि रात हो गई थी और अंधेरा बहुत हो रहा था और मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी। तो भाई रात का जो सीन है वो ऐसे, रात को 2 बजे हम फारिग हुए कैंप से, मतलब सर रजाम से बातें कर रहे थे और बाकी हमें कुछ बता रहे थे, और बहुत मज़ा आया दोस्तों के साथ। और अभी ये कि मेरे ख्याल में मैच वगैरह है, मैच वगैरह के बाद मिलते हैं आपसे लोग में। यहाँ पे ये
सीन है वो ये है कि आप कॉलेज की तरह नहीं यूनिवर्सिटी की तरह पढ़ते हैं, तो यहाँ क्लास में से फिज़िक्स की क्लास होगी तो फिज़िक्स की क्लास में जाएंगे, और अगर मैथ की क्लास है तो मैथ की क्लास में जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये सीन नहीं, और बाकी बच्चों को लोकर दिए हुए और ये कंप्यूटर लैब, तो बाकी ये देख सकते हैं आप पूरे कॉलेज का व्यू, बाकी ये ऑडिटोरियम। ये अगर मैं कॉलेज का व्लॉग बनाऊँ तो मुझे पूरा जो है 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत एक पहली दफ़ा एक्सपीरियंस तजुर्बा ये है कि हम जो है रात भर दोस्तों के साथ रुके और हमने बहुत सी मस्ती मजाक भी किए हैं जो कि वीडियो में डाला नहीं जा सकती है, और बाकी ये है कि डाल नहीं पाया मैं और चीज़ें क्योंकि इतना टाइम नहीं था, इंजॉय भी करना था। अगर व्लॉग में सब डाल लेता तो लोग बोलते यार ये सिर्फ व्लॉग ही बना रहा है। बाकी ये है कि मेरे ख्याल में भी कुछ इवेंट वगैरह होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह का टाइम हो रहा है। ये देखें लोग पीछे का व्लॉग, वो व्यू देखें आप पीछे का व्यू देखें माशाल्लाह। और बाकी वकास तेरे पे आ गए और बैठे हुए हम लोग कैंप में बातें कर रहे हैं, और ये है कि अभी जो है 9 बज रहे होंगे मेरे ख्याल में, 9-10 बज रहे, तो सुबह 7 बजे नाश्ता किया था हमने और सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे। फिर उठने के बाद हम लोग गए वहाँ, कपड़े यूनिफॉर्म चेंज किया, उसके बाद 6 बजे जब उठे तो यूनिफॉर्म चेंज किया और फिर 7 बजे नाश्ता किया, उसके बाद फिर कैंप पे आए और कैंप पे आके बैठे हुए सब। ये सामने ये कैंप है, सारी क्लासें लेता हूं, ये सामने 5 कैंप है टोटल, बाकी फ्री होता है वो उसमें भी जाके क्लास में बैठ जाते नहीं। और ये है कि गाइस बहुत मजा आया दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, और आप सबकी दुआओं ये जरूरत है। अल्लाह हाफिज़। नींद में मैं चुप हो जा, जल्दी कर, तुझे पता नहीं तू मेरा भाई है। तो हम बना रहे हैं लकड़ियों का फर्नीचर, नहीं बना रहे भाई, नहीं बना रहे, ये देखें ये वकास भाई, नहीं बना रहे वकास भाई, हाँ नहीं बना रहे भाई, नहीं बना रहे हम, कुछ भी नहीं बना रहे, जैसा नीचे रखता ये देखें लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है। तो कैंपिंग हमारी ख़त्म हो गई थी, कैंपिंग ऐसी ख़त्म हुई तो दिन के 2 बजे मैं निकल गया था कॉलेज से अपने, तो मुझे टाइम मतलब मैनेजमेंट और अपना बैटरी की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, वरना मैं आपको लोग दिखाता बाकी दोस्तों के बाद मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं और पिक्चरें पड़ी हुई हैं, अगर वो मुझे सेंड कर देंगे तो पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, पहली दफ़ा एक्सपीरियंस और ये तजुर्बा मेरे ख्याल में बहुत मेरे लिए बेनिफिट है, और जो दोस्त हम क्लास में बैठते हैं हम उनके साथ कभी एक नाइट गुजार देखें तो उनका नेचर अपने नेचर से वो करते हैं वाकिफ़ करते हैं,
और बाकी बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपको इसी तरह मैं व्लॉग्स बनाऊँगा। इंशाल्लाह आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें कि अच्छा लगा, बुरा लगा। बुरा भी लगा तो बता दें इस शो के। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।